मजाक हो रहा है, एक सेकंड यार, मजाक हो रहा है। नहीं ये हम यहाँ पे क्या करने आए हैं? ये था मेरा रिएक्शन जब हमने पहले देखा था गॉडल को एलिमिनेट होते हुए, डिस्क्वालीफाई तो नहीं, एलिमिनेट होते हुए। उसके बाद रिएक्शन यही कंटिन्यू रहा जब हमने देखा टीएक्स को और सबसे ज्यादा एसजी को, स्काईलाइट्स गेमिंग को, और उसके बाद फाइनली टीएसएम टीम सोलो मिड एलिमिनेट होते हुए। मजाक हो रहा है, क्या चल रहा है? इट्स अ टूर्नामेंट जहां पे सबको अपना बेस्ट देना था, सबको अपना पोटेंशियल प्रूव करना था, और हुआ क्या आपने देखा। तो द रिएक्शन वॉज दिस फॉर मी एवरी टाइम समथिंग हैपेंड। मारो भाई मुझे, मारो, क्या चल रहा है? मारो मुझे, मारो, मारो। नहीं ये मजाक हो रहा है। बट लेट्स गेट सीरियस, लेट्स टॉक अबाउट द अपकमिंग टूर्नामेंट जिसके लिए ये टूर्नामेंट चला था। दिस वॉज द बीएमओसी जहां पर चार राउंड थे, छः छः टीम प्रति राउंड से यहाँ पर सेलेक्ट होनी थी, और उसके बाद अब खेला जाएगा बीएमपीएस सीजन वन, बैटलग्राउंड मोबाइल प्रो सीरीज सीजन वन, जिसमें टोटल ऑफ 24 टीमें, जिसमें से एक एक ग्रुप में 8 टीम होंगी, 1, 2, 3 ग्रुप्स, एंड बहुत ही अच्छा टूर्नामेंट होगा। सबसे अच्छी बात यह, आई एम हैप्पी दैट आई एम सीइंग मोर ऑफ अंडर डॉग्स हु आर नाउ बींग कॉल्ड एज अंडर गॉड्स। अंडर गॉड्स आने वाले हैं, और मैं पहले से, मतलब ठीक है सब फैंस होते हैं, सोचते हैं कि चलो फाइनली हमारी फेवरेट टीम आने वाली है, एक तो आ गई है सोल, 2-3 टीम्स निग्मा गैलेक्सी आ चुकी है, ओआर आ चुकी है, एक्सो आ चुकी है, और उसके साथ ग्लोबल ईस्पोर्ट्स आ चुकी है, मार्कस गेमिंग आ गई है, हैदराबाद हाइटर्स आ गए। ऐसे नहीं है कि इन्वाइटेड टीम्स पूरी की पूरी बाहर हो गई है, आपकी फैन फेवरेट टीम्स अभी भी काफ़ी सारी है, एंड उसकी वजह से जो कॉन्ट्रोवर्सी चलनी है चलती रहेंगी, क्योंकि एक की फेवरेट टीम दूसरे की सबसे ऑपोजिट टीम रहेगी, किसी को अच्छी लगेगी तो कोई उसको ही उसी टीम को हेट भी देगा, तो वो तो चलना ही है। बट एटलीस्ट थोड़ी टीम्स हैं जिनके लिए लोग सोच के आएंगे चलो हमें देखना है। बट द एरा इज चेंजिंग, द टाइम इज चेंजिंग, द थिंग्स आर चेंजिंग, द मेटा हैज चेंज्ड, एवरीथिंग हैज चेंज्ड, राइट? सो फाइनली वी आर सीइंग सम न्यूअर टीम्स डूइंग मच बेटर देन व्हाट द इनवाइटेड टीम्स डिड। एंड बिफोर वी इवन बिगिन, एक बात है जो लोग, काफी लोग इसके बारे में बात कर रहे थे कि भाई ये कुछ भी आप लोग बोलते हो कि एक ही दिन था, लक फैक्टर ज्यादा था इसमें, आपकी फेवरेट टीम अगर हार गई यू शुडंट कॉल इट लक फैक्टर। तो क्या उसी लक फैक्टर की वजह से सोल जीता है? सोल के पास कैपेबिलिटी नहीं थी जीतने की, सोल के पास कैपेबिलिटी नहीं थी वर्ल्ड फेयर होने की, इसलिए वो जीता क्योंकि उसके पास लक था? नहीं ना, लक इज जस्ट वन ऑफ दोज फैक्टर्स, एंड इफ यू हैड एंटर्ड द जोन एंड कुडंट होल्ड इट, वहां पर आप लक को कैसे कुछ ब्लेम दोगे, ये मुझे बताओ। और यही सोल की टीम जो अभी क्वालिफाई हुई बीजीएस में, डिस्क्वालीफाई हुई थी, डिस्क्वालीफाई नहीं सॉरी एलिमिनेट हुई थी, यूजिंग द वर्ड डिस्क्वालीफाई इज रॉन्ग, एलिमिनेट हुई थी। तो एलिमिनेट हुई तो आप खुद ही सोचो, जब यही टीम एलिमिनेट हो रही है देन ऑब्वियस सी बात है ना कि इट्स नॉट लक, इट्स मोर अबाउट योर गेम सेंस, योर गेम स्टाइल, योर अंडरस्टैंडिंग बिटवीन ईच अदर, एंड हाँ थोड़ा सा लक का फैक्टर आ ही जाता है, बट यही लक के फैक्टर से तो सारे टूर्नामेंट खेले जाते हैं भाई। कितने दिन का टूर्नामेंट है, कितने दिन के गेम्स थे, कितने टोटल गेम्स थे, ये सब देखने जाओगे ना कभी कभी ना, पता है ये तो इन्वाइटेड टीम्स थी, लीग फेसेस में कभी कभी एक ही गेम से डिसाइड होता है कि ये टीम आगे जाएगी या नहीं, वही एक गेम जीत के ये टीम आगे जाके अभी बीएमपीएस के फाइनल्स तक भी पहुंच रही है, राइट? वही टीम एक एक गेम के थ्रू भी आई है आगे, तो ऐसे मत सोचो कि लक के फैक्टर से ही आई है, वो अपना गेम भी खेल के आई है और वो अपने गन पावर को लेकर आगे बढ़ी है। सो लेट्स नाउ मूव ऑन, लेट्स कीप दोज लक टॉक्स असाइड, इट्स लक प्लस योर ओन अंडरस्टैंडिंग एंड गेम सेंस। गॉडल बाहर गई है भाई, वन ऑफ माई फेवरेट टीम्स, एंड आई ऑलवेज लव देम फॉर देयर एग्रेशन। कभी भी हम यही सोचते थे कि गॉडल को पोजिशन की जरूरत ही नहीं है भाई, गॉडल तो ऐसे मार देती है, तो 15-20 किल्स के वो हर पॉइंट, हर गेम में उनके इतने पॉइंट तो किल के ही हो जाते हैं, तो पोजिशन का जरूरत ही नहीं है। सेम था अंडरस्टैंडिंग अबाउट दिस टीम, टीम सोलो में TSM, ये प्लेयर थे जो कुछ भी कर सकते थे, कुछ भी मार देते हैं, और भाई इनका आज दिन खराब था, बट यू शुडंट ब्लेम देयर लक। निंजा ने खुद स्टोरी डाली है, निंजा ने स्टोरी में क्या बोला, देयर इज अ लॉट मोर टू लर्न एंड दैट इज व्हाट यू हैव टू एक्सेप्ट, देयर इज अ लॉट मोर टू लर्न फ्रॉम हियर। इट्स नॉट दैट कि भाई ब्लेम कर दो कि अरे ये हो गया था मेरे साथ, ये ग्लिचेस आए थे, ये लक खराब था मेरा, मेरे टीम में को मेरा वॉइस नहीं आ रहा था, ये सब ना ठीक है, अगर ये सब होता तो टूर्नामेंट के बीच में पता चल जाता ऑफिशियल्स को, लास्ट तक कोई रोकता नहीं, समझ रहे हो? You know what team I'm talking about, but anyway, let's go, let's talk about these teams. Team Soul, Big Brother Esports, initiative ka thoda sa main baat karunga about some allegations against them.
आया है कि एलिगेशन है और क्या पता कुछ अगर प्रूव हो भी गया, देन वन ऑफ द टीम्स जो रिसेंटली एक टूर्नामेंट जीती थी वो टूर्नामेंट में वापस आ सकती है, दैट इज टीम ओजी ओरांगुटान। ओरांगुटान नंबर 7 पे है ऑन द फर्स्ट राउंड और नंबर 2 थी इनिशिएटिव, तो अगर ये डिस्क्वालीफाई हो गई, दिस इज कॉल्ड डिस्क्वालिफिकेशन, अगर वो बैन की वजह से डिस्क्वालीफाई हुई। एंड आई एम नॉट गिविंग यू एनी स्ट्रेट आउट फैक्ट्स, मुझे पता ही नहीं, तो मैं बस बोल रहा हूँ जो सुना है मैंने। अगर ये डिस्क्वालीफाई हुई देन ओरांगुटान कैन कम इन टू द टूर्नामेंट। उसके बाद एक ग्लोबल स्पोर्ट्स जिसपे भी एलिगेशन लगे हैं, बट मैं नहीं मानता, मैं इसलिए नहीं मानता क्योंकि मैंने ये प्लेयर्स देखे हुए हैं बहुत अच्छा खेलते हुए। एंड उसके साथ साथ देश रुशिंद्र सिन्हा, ग्लोबल स्पोर्ट्स के जो ऑफिशियल्स हैं ना, वो ऐसे लोग नहीं है जो बोलेंगे कि भाई तुम पीछे कुछ भी कर लो हम तुमको बचा लेंगे, वो ऐसे नहीं है, ठीक है, उनके पास सब कुछ है, सारे प्रूफ्स है। वो अब रो रहे हैं कि भाई हम कितना ही प्रूव कर दें, कितना हमारे पीछे पड़ोगे। देन दिस दिस सरप्राइजिंग टीम दैट इज हाइड्रा ऑफिशियल्स। सरप्राइजिंग इसलिए क्योंकि हाइड्रा के कभी मतलब ईस्पोर्ट्स का कुछ जर्नी था ही नहीं ज्यादा, बट फाइनली जब है ना, आई एम फीलिंग गुड दैट हाइड्रा हैज चोजन अ टीम फॉर ईस्पोर्ट्स। दे हैवंट ब्रॉट देयर स्ट्रीमिंग लाइनअप इनटू दिस एंड सेड कि चलो हम ट्राई मारते हैं, अच्छा किया, अच्छे अच्छे प्लेयर्स को लेके ये लोगों ने पर्व को फर्क पे उसी टीम में, तो बहुत अच्छा लाइनअप है और दे आर इन टू द फाइनल्स नाउ। दिस एनिग्मा गेमिंग, दिस ब्लाइंड का तो भाई अब आदत हो गया फाइनल्स में आना, दे जस्ट नीड टू प्रूव वंस दैट दे कैन बी वन ऑफ द टॉपर्स देयर, बट हर बार वो फाइनल्स तो आ जाते हैं, सो दे हैव दैट कैपेबिलिटी। ऑटो बॉट्स अच्छा खेला है, जीओजी खेला है, आरटीआर रिट्रीब्यूशन एंड डब्ल्यूएसएफ, भाई डब्ल्यूएसएफ, उसके साथ साथ देयर इज टीम काइनेटिक। डे 3 डे 4 जहां पे देर वर टीम्स लाइक टीम एक्सपाक, टीम सोलोमिड, टीएसएम, उसके अगेंस्ट ये लोग टॉप ऑफ द चार्ट्स गए हैं, टीम काइनेटिक डब्ल्यूएसएफ जैसे टीम्स। ओआर भले टॉप में पहुंच गए थे बट डब्ल्यूएसएफ ने दो चिकन निकाले थे, टीम काइनेटिक ने दो चिकन निकाले थे इनिशियल फर्स्ट दो गेम में। देन दे हैव ऑल द फ्री माइंड टू प्ले, बोलेंगे कि भाई अब किल्स लेना है तो किल्स, पोजीशन लेना है तो पोजीशन, कुछ भी कर सकते हैं क्योंकि वी हैव ऑलमोस्ट सिक्योर्ड द टॉप 6 स्पॉट, हमें फर्स्ट रहने का जरूरत नहीं है, टॉप 6 रहेंगे तो बहुत है। तो वो लोगों ने दोनों ने कर दिया था, टीम काइनेटिक और डब्ल्यूएसएफ ने। अब यहां पर और दो तीन अच्छी टीम्स जो है वो है 7C स्पोर्ट्स, देन यू हैव टीम एक्सो, ऑब्वियसली टीम एक्सो, और आई स्टिल हैव दैट सेम रेस्पेक्ट फॉर सेंसेई, जो अपनी स्टोरी उसने डाली थी रिसेंटली, एंड आई फेल्ट रियली गुड दैट ऐसे बंदे हैं जो कहां से कहां तक पहुंचे एंड दे स्टिल आर टचिंग द देयर फीट ऑन द ग्राउंड, ऐसे नहीं है कि हवा में उड़ रहे हैं, और मैं किसी को टारगेट नहीं कर रहा, हवा में उड़ना भाई वो तो तुम्हारा खुद का है, बट ये जो सेंसेई करता है ना वो देख के हर एक बंदे को सीखना चाहिए कि वेर एवर यू रीच यू स्टिल शुड बी टचिंग योर फीट ऑन द ग्राउंड। निग्मा गैलेक्सी वॉज वन ऑफ माई, मतलब क्या ही बोलूँ भाई, निग्मा गैलेक्सी कोई एक्सपेक्टेशन रखा ही नहीं था मैंने तो अपने, मैं एवरी डे सरदार जी वाईटी जो एक कास्टर ऑफिशियल कास्टर उसकी स्ट्रीम पे जाके मैं अपने देता था कि मेरे प्रेडिक्शन से है, मैंने उसमें डाला था कि सेल्स आएगा निग्मा गैलेक्सी आएगा, बट सेल्स का मुझे खराब लगा, एक ही पॉइंट से रह गए वो, बट निग्मा गैलेक्सी मैंने बोला था कि ये होगी क्वालिफाई, एंड मैं खुद सोचा था कि अरे इतना खराब कैसे मैंने कैलकुलेशन किया है, क्योंकि टीएसएम निकल रही है और उसके साथ साथ मैंने बोला था कि टीम मिस्ट आ जाएगी बट वो भी निकल गई थी। अब निग्मा गैलेक्सी भी ऑलमोस्ट आउट थी बट लास्ट दो गेम में क्या परफॉर्मेंस दिया और दे डायरेक्टली जंप्ड इनटू द टॉप 6 स्पॉट, सो आई वाज हैप्पी फॉर देम। और इंस्टा पे दीज आर नॉट माय चैनल्स गाइस बट आई वुड वांटेड टू फॉलो दीज गाइस, शाउट आउट टू BGMIX ऑफिशियल एंड ईस्पोर्ट्स अमेज एज वेल फॉर पुटिंग आउट ऑल दिस इन्फॉर्मेशन। जब BGMI ऑफिशियल अभी तक नहीं डाले तो ये लोग तो एटलीस्ट डाल के हमें क्लैरिटी दे रहे हैं। लेट्स टॉक अबाउट ईच डे का ग्रुप स्टैंडिंग्स भी, यहाँ पर देखिए ग्लोबल वॉज ऑन द टॉप विद 109 पॉइंट्स, ठीक है, एंड देन BB स्पोर्ट्स बिग ब्रदर वालों ने अच्छे अच्छे प्लेयर्स को साथ में रखा है तो ऑब्वियसली बात है। एंड इसके साथ साथ हाइड्रा वेंट टू 62 पॉइंट्स ओवर हियर, एंड उसके साथ देखो यहाँ पर ओरांगुटान इनिशिएटिव वाज थर्ड, इनफैक्ट नॉट सेकंड, थर्ड थे, तो इनका अगर कुछ होगा तो ठीक है, नहीं तो ऑब्वियसली दीज आर द टॉप 6 टीम्स। अब उसके बाद दिस वॉज द सेकेंड वन, यहाँ पर देखो आप ग्लोबल स्पोर्ट्स 109 एंड दैट इज इनफैक्ट द हाईएस्ट फॉर द एंटायर टूर्नामेंट ईयर, उसके बाद कोई भी टीम ने 100 पॉइंट्स क्रॉस नहीं किए। ओआर ने यहाँ पर 97 किया था, सोल ने 94 किया था, एंड टीम सोल का जो ये वाला वो था ग्रुप था, दिस वॉज एक्चुअली कॉल्ड एज द ग्रुप ऑफ डेथ, बट ग्रुप ऑफ डेथ तो ग्रुप 4 भी था भाई, क्या गेम्स थे कल, मैं हर एक गेम देख देख के ऐसे मतलब गूजबम्स आ रहे थे कि कौन सी टीम कहाँ से क्या कर रही है, और हर एक गेम के बाद द टेबल वुड शिफ्ट रैंडमली। यहाँ पर ऐसा था ना कि चलो सोल जीत ही रही है, सोल ऊपर ही बैठी है, टीम एक्सो जीत रही है ऊपर ही बैठी है, ग्रुप 4 में ऐसा था कि एक ऊपर का ठीक है काइनेटिक वाज ऑन द टॉप, बाकी टीम्स का पता ही नहीं चलता था कि लास्ट गेम तक जाओ तब तक पता नहीं कि भाई कौन सा टीम क्वालिफाई करने वाला है, वो वहां पर ग्रुप 4 इनफैक्ट वुड बी द मतलब ग्रुप ऑफ डेथ,
ड्यूरिंग दैट डे. उससे पहले तो ऑब्वियसली ग्रुप ऑफ डेथ इसको बोलेंगे क्योंकि गॉडलाइक इसी ग्रुप में थी और रेवेनेंट थी इसमें जो नहीं हुई, एंटिटी थी इसी में. तो देर वर वेरी गुड इन्वाइटेड टीम्स इन दिस एंड दिस एंटायर सिनेरियो वुड एक्चुअली गिव यू द इंडिकेशन दैट इन्वाइटेड टीम्स पहले जैसे इन्वाइटेड टीम्स को एक अलग लेवल का वो मिलता था ना दर्जा. आई वोंट गिव दैट टू देम नाउ बिकॉज देखो वही हम करते रहेंगे एज फैंस वी वुड वॉन्ट टू सी देम प्ले ऑलवेज राइट. बट आई वुड से ये दर्जा हर बार अगर हम देते रहेंगे ना तो कभी भी कोई नई टीम्स को चांस ही नहीं मिलेगा अपने आप को प्रूव करने के लिए, शो मतलब अपने गेम प्ले को दिखाने के लिए. वो अंडरडॉग्स ही रह जाएंगे. अभी अंडरडॉग्स को इतना अच्छा चांस भेजिए, मैंने फाइनल दिया, सो आई एम हैप्पी. लक बोल दो, कुछ भी बोल दो, आपका मर्जी एज अ फैन, आप कुछ भी बोल सकते हो, कोई आपको रोकेगा नहीं. बट आई वुड से यू शुड ऑल्सो कंसिडर द फैक्ट दैट ये लोगों ने मेहनत की है, अंडरडॉग्स ने मेहनत की है एंड इट वॉज अ ग्राइंड फ्रॉम इनफैक्ट सिंस द बैन ऑफ द गेम. जब से पबजी मोबाइल बैन हुआ था, बीजीएमआई आया था, तब से ये लोग बैकग्राउंड में इतना प्रैक्टिस, इतने टीम फॉर्मेशन, इतना अंडरस्टैंडिंग, इतने मतलब कोऑर्डिनेशन के साथ सीख सीख के ये लेवल तक आए हैं और ये लोग ऐसे ही क्वालिफाई नहीं हुए. ये लोग क्लासिक्स में 35-40 किल्स के एवरेज के साथ क्वालिफाई होते, उसके बाद लीग फेसेस में ये लोग टॉप किए थे, उसके बाद यहाँ तक आए इन्वाइटेड के साथ खेल के उनके ऊपर बैठे हैं. यहाँ पर देखिए टीम काइनेटिक, आर स्पोर्ट्स, ठीक है, ACBC, FS, फ्यूचर स्टेशन, समझ लो आप ही कि ये लोग ऐसे नहीं आए यहाँ पे. चलो अब यहाँ पर दिस इज द एक्चुअल डेट्स, May 19 से June 5 एंड आई विल बी स्टार्टिंग टू गिव माय ओन थॉट्स एंड माय ओन मतलब थोड़े थोड़े जजमेंट्स बिकॉज मैं फॉलो पूरा करता हूँ ये सीन को. तो आई वुड लव टू गिव माय थॉट्स एंड आई वुड लव फॉर यू पीपल टू अंडरस्टैंड कि क्या मेरा थॉट है. आप अपने थॉट्स कमेंट्स में डाल सकते हो, अभी भी डाल सकते हो. आपको क्या लगता है कि कौन से टीम्स बाहर गए, उसके लिए आपको क्या लगता है? गॉडल बाहर चले गए, TX बाहर चले गए, SG बाहर चले गए, तो ये टीम्स के बारे में अगर आप कुछ बोलना चाहते हो तो आई वुड लव फॉर यू टू शेयर योर थॉट्स और मैं सुनूंगा, मैं देखूंगा आप क्या बोलना चाहते हो. अब यहाँ पर देखिए गाइस, टोटल 24 टीम्स, वो तो आपको पता है, 6-6 टीम, हर एक इसमें से 6 टीम आई है, तो 6 फ्रॉम ईच. वहाँ से अब BMOC 2022 3 वीक्स ऑफ लीग स्टेज रहेगा. 24 टीम्स आर स्प्लिट इनटू 3 ग्रुप्स, टोटल 24 मैचेस ईच वीक. ये देखो फॉर्मेट कितना बड़ा ही है. टोटल 24 मैचेस ईच वीक, 6 मैचेस पर डे. 6 मैचेस अभी जो हो रहे थे वैसे ही, 3 रहेंगे इरांगल, 2 रहेंगे मिरामार, 1 सैनहॉक. इरांगल मिरामार सैनहॉक देन इरांगल मिरामार इरांगल, ऐसा कुछ रहेगा फॉर्मेट वहां पर. एंड देन यू हैव ईच टीम प्ले 4 मैचेस पर डे इन अ राउंड रॉबिन फॉर्मेट टू अ टोटल ऑफ 16 मैचेस पर वीक. राउंड रॉबिन फॉर्मेट में मतलब ABC ग्रुप्स रहेंगे, तो A vs. B, A vs. C, B vs. C ऐसे रहेगा वो वाला. टॉप 16 टीम्स वुड एडवांस टू द फाइनल्स. यहाँ पर जो 24 गेम टीम्स में से ये जो 24 गेम्स रहेंगे, 24 गेम्स में से टॉप 16 टीम्स जो रहेंगी वो फाइनल्स में जाएंगी. अब फाइनल्स वुड बी June 9-12, दैट वुड बी अनदर 24 गेम्स और ये 4 दिन का टूर्नामेंट रहेगा. ऑब्वियस सी बात है, ये तो कॉमन हो गया अब. एंड टोटल प्राइस पूल वुड बी ऑफ 2 करोड़ रुपीज. इसका कहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन है क्या है वो अभी तक हमें पता नहीं है. और यहाँ पर देखो गाइस, आई वुड नाउ लाइक टू गिव माई ओन प्रेडिक्शंस और आपके प्रेडिक्शन में मैं सुनना चाहता हूँ, आपको क्या लगता है कौन सी टीम्स टॉप पर आएंगी. एंड आई वुड वांट यू टू चूज थोड़े फ्रॉम द इनवाइटेड टीम्स एंड थोड़े फ्रॉम द अंडरडॉग्स, क्योंकि देखो अंडरडॉग्स का पूरा चांस है. फिर आप लोग जितना भी बोलोगे कि लक से आ गए भाई, आप कुछ भी नहीं कर सकते ये लोग, आई स्टिल फील दैट दे विल डू क्वाइट गुड ऑन दैट लेवल एज वेल. क्यों पता है, 2-3 रीजन है. अगर आप मतलब देखते हो ना कभी भी T1 टूर्नामेंट जो होते हैं, जो स्क्रिम्स होती है, इतने सारे स्क्रिम्स जो होते हैं ना, उसमें क्या होता है, यूजुअली यू सी दीज अंडरडॉग्स नॉट प्लेइंग. आपको सिर्फ दिखता है बड़े बड़े टीम्स जो इन्वर्टर टीम्स है वही खेलते रहती है एंड वो देखते कि अंडरडॉग सीखते हैं कि भाई ये टीम का स्ट्रेटजी ये है. अब शैडो अगर ये कर रहा है, TSM तो आउट हो गए, बट टू गिव यू एन एग्जाम्पल, शैडो अगर ये कर रहा है एजलिंग में, ये अगर ऐसे ऐसे बता रहा है एंड देन आप देखते हो कि निंजा वहां से एक पिक निकाल रहा है, उसके बाद जो दो प्लेयर्स रश करते हैं इनके, ब्लेज और एक्विनॉक्स दोनों स्लैम मारते हैं, बाहर से नेट्स करते हैं, दूर से अभी भी निंजा एक कवर देने की कोशिश कर रहा है और शैडो अलग एक एंगल पकड़ने की कोशिश कर रहा है. ये चीजें ना वो सब देखे हुए हैं अंडरडॉग्स, बहुत कुछ उनसे सीखे हुए हैं, बट अंडरडॉग्स को अभी तक किसी ने इतने लेवल तक देखा नहीं है. सो दैट इज कम्प्लीटली आउट ऑफ, मतलब हम जो एग्जाम्स देते हैं बोलते हैं ना, दिस आउट ऑफ पोर्शन, आया नहीं था हमारे पोर्शन में, तो हम कैसे इसका जवाब दें. वही चीज यहाँ पर इन्वाइटेड टीम्स को हो जाती है कि भाई अंडरडॉग्स के बारे में पता ही नहीं कि ये कैसे रोटेशन लेते हैं, ये क्या करते हैं. कभी कभी अंडरडॉग्स ऐसे भी खेल लेते हैं कि भाई एक ही कंपाउंड को 4 बंदे होल्ड कर लेते हैं और नॉर्मली एक्सपेक्टेशन ये रहता है कि एक कंपाउंड में 4 बंदे नहीं बैठेंगे. कल आर स्पोर्ट्स वर्सेस TSM का लास्ट गेम जो हुआ था, कौन एक्सपेक्टेशन रखेगा, वो नहीं रखेगा ना. अंडरडॉग्स का ही बात नहीं कर रहा, मैं बोल रहा हूँ कि ऐसे कोई एक्सपेक्टेशन कुछ नहीं होती अब.
ये हो सकता है फाइनल्स में भी. सो अंडरडॉग्स कैन प्रूव देयर वर्थ इन द फाइनल्स एज वेल. ऐसे बहुत लोग जो बोल देते हैं कि नहीं यार ये तो लक से हो गया था, नहीं, यू विल सी देम परफॉर्मिंग. नाउ टू गिव यू अ क्विक फीलिंग ऑफ मुझे क्या लग रहा है कौन से अच्छी टीम्स यहाँ पर रहेंगी. सो गाइज, इफ आई टू गिव यू माई फेवरेट ऑफ ऑल दिस, आई वुड से ओनली अबाउट फर्स्टली द टीम्स दैट वर इन्वाइटेड. आई वुड से जीई वॉज वन ऑफ दोज, देन एक्सो, ये तो पूरा डायरेक्ट ही लिख दूंगा मैं. सोल, देन यू हैव दिस एज वेल, कौन सा अपना चौथा था, ओ आर, और फिफ्थ वॉज सेवन सी, ठीक है, एंड सिक्स्थ इज हैदराबाद हाइड्रास. हैदराबाद हाइड्रास ओनली बिकॉज नाउ दे आई मीन प्रूवन देमसेल्व्स आफ्टर गेटिंग देयर कोच, कितना हम आराम से कर सकते हैं चीज़ें. एंड देन यू हैव निग्मा गैलेक्सी, जो भाई कुछ भी कर देंगे, मतलब समझ नहीं आएगा कि ये लोग यहाँ तक कैसे क्या कर दिया, बट फिर भी करेंगे वो. लोगों को लगता है कि यार तो कैसे हो गया, बट नहीं, किए हैं वो लोग, ठीक है. एंड देन वन मोर आई वुड से इज दिस मार्कस गेमिंग. तो ये मेरे लिए रहेंगे टॉप 8 टीम्स, MG, ठीक है, ये रहेंगे मेरे टॉप 8 टीम्स एज द इनवाइटेड टीम्स. अब 16 चाहिए ना टॉप. आई वुड गिव यू अराउंड या 16 ही दूंगा मैं, ज़्यादा नहीं, इसमें से शायद 12 तो हो जाए यार, एटलीस्ट मेरे अंडरस्टैंडिंग से. मेरे को लग रहा है एक तो WSF जाएगा, क्योंकि WSF हैज नॉट प्लेड जस्ट बाय एनी रैंडम मेजर्स, दे प्लेड वेरी वेल, तो वो एक रहेगा मेरे लिए WSF. उसके साथ रहेगा ये अपना काइनेटिक. काइनेटिक टॉप किया इसलिए नहीं क्योंकि कल काइनेटिक जिस तरह से खेल रहा था ना, दे वर नॉट ओवर कॉन्फिडेंट इन एनी वे, दे आर स्टिल लुकिंग टू एक्चुअली गेट पॉइंट्स. जहां तक वो खेल रहे थे ना, वहां पर भी पॉइंट्स के लिए देख रहे थे कि हम लोग को टॉप पर रहना ही है, दैट वॉज वॉट देर इंटेंशन वॉज. देन यू आर UP50, जिसको मैं प्रेडिक्ट किया ही था कि UP50 तो आएगा ही फाइनल्स में, वो आ गए. एंड देन यू हैव फाइनल्स मतलब इन टू द BMP स्टेज. BMPS में भी अलग से फाइनल्स है, वो तो अलग बात है. एंड देन आई फील दैट अंडरडॉग्स का ही बात कर रहा हूँ, तो आई वुड से दैट बिग ब्रदर इज वन ऑफ देम. एंड दिस बिग ब्रदर इन्वाइटेड थी, अंडरडॉग थी, मुझे आइडिया भी नहीं अब तो, बट ठीक है, नाम डाल देते हैं हम. BB1 है एंड यू हैव ब्लाइंड, ठीक है, यू हैव ब्लाइंड. ब्लाइंड के साथ नाउ देर इज दिस टीम, ये रहा कौन सा, वॉकआउट्स. अब अंडरडॉग्स को या ये सब साथ मिला के बोलूँ, वॉकआउट्स कुड बी एन इन्वाइटेड टीम, बट ठीक है. देन यू हैव RE Sports. RE Sports का कल का लक का फैक्टर क्या ही था, मतलब उसमें लक उनका ये था कि जो फार्म वाला, अभी जो अगर आपको क्लासिक्स याद है, फार्म का जो रिकॉल सेंटर है उसके बाद जो बड़ा टावर है, बड़ा टावर के पास 3-4 गाड़ियां रख के देयर वर लाइक लिटरली 3 एंगल्स जहां से इनको पड़ रही थी, बट दो बंदे फिर भी बचे थे और आगे तक उनका एक बंदा अपनी टीम को आगे तक लेके गया वो भाई. तो आई फील दैट यस, दे माइट बी डूइंग समथिंग गुड ऑन दिस फेज. एंड उसके अलावा एनिग्मा, तो दीज आर माय 16 प्रेडिक्शंस. अब इसमें से कौन होगा कौन नहीं होगा पता नहीं, बट आई फील इसमें से एटलीस्ट 12 टीम्स तो आगे मतलब फाइनल्स में जाएंगे. दीज आर माय प्रेडिक्शंस फॉर द फाइनलिस्ट. अब आपका मैं जानना चाहूंगा कि व्हाट वुड बी द एक्सपेक्टेशन फ्रॉम योर साइड, कि आप क्या बोलोगे क्या नहीं, वो देखना है मेरे को. सो आई फील दैट ये जाएंगे, बट अगर नहीं तो कोई बात नहीं. बाकी अगर कोई गया तो देन आई विल बी द पनौती, बट विल कम बैक स्ट्रॉन्गर. देखो दिस इज वॉट TSM के प्लेयर्स आर सेइंग कि भाई हमको अभी और बहुत कुछ सीखना है, बट ये जो टीम्स एक दूसरों को दे रही है ना, दिस इज वॉट आई ट्राई टू सी दैट पीपल शुड अवॉइड. हैप्पी बर्थडे बाय Equinox. Equinox का बर्थडे था क्या सच में, वो भी समझ नहीं आता भाई जब ये ऐसे एक दूसरे को डिस मारते हैं ना. ये देखो गाइज, दिस आई हैव रेस्पेक्ट फॉर शिवा, हाँ शिवा भाई, हु इज द फाउंडर एंड सीईओ ऑफ स्काई स्पोर्ट्स, बट वॉट ही सेड वॉज आई वुड से नहीं यार, सी दिस इज नॉट वॉट आई वुड वॉन्ट टू हैपन, मतलब आई वॉन्ट टू सी दिस हैपन. यू कैन नॉट शुड जज टीम्स बेस्ड ऑन वन और टू परफॉर्मेंसेज, फॉर्म इज टेम्पररी, क्लास इज परमानेंट, क्लास इज परमानेंट, ठीक है, अग्रीड विद दैट. टॉप कंसिस्टेंट टीम शुड ऑलवेज बी गिवन एन अपर एडवांटेज एंड कुड बी एक्सक्लूडेड इन द बेसिक क्वालिफायर राउंड लाइक हाउ वी सीड इन SCS एंड रोड टू BC2 विदाउट इंडिया, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, श्रीलंका इमेज इन द वर्ल्ड कप. एग्री टू द लास्ट पॉइंट की ठीक है यार, बड़ी टीम्स को ये रहना चाहिए, बट देखो इतने सारे टीम्स हो गए जो इन्वाइटेड का एक टैग लेके आते हैं ना, कि इनके इनको भिड़वाना ही पड़ेगा यार, अदरवाइज डू समथिंग लाइक BGIS के टॉप 5 टीम्स, बस उन्हीं को वो दे देते BMPS के अंदर डायरेक्ट एंट्री, ये सब करवाए बिना. लाइक SG हो गई, TSM हो गई,
ऑरेंज रॉक हो गई, एंड उसके अलावा जिनके पासपोर्ट्स के इश्यू थे जो भी था, उसके बाद जब फाइनली गॉडल को जाना पड़ा फॉर दी ग्लोबल टूर्नामेंट, बट जो वो टॉप 4-5 टीम थी ना, उनको यहाँ पर खिलाते ही नहीं, खिलाए बिना वो उनको सीधा लेके जाते बीएमपीएस के फाइनल्स में। वो करते तो अलग बात होती, बट अगर आप देख रहे हो यहाँ पर जो 32 टीम्स थी, 32 टीम थी या कितने, 32 कहाँ, 64 टीम्स थी, 64 टीम्स में से अगर इनवाइटेड आर ऑलमोस्ट लाइक 20 to 30 टीम्स, देन कैसे आप उनको वो करोगे? कुछ कुछ तो क्राइटेरिया होना चाहिए ना। तो आई वुड से बीजेएमआई वालों ने जो किया वो सही किया, बिकॉज यार ठीक है लक हो जाए एंड वन डे के परफॉर्मेंस से जज ना करो, वो तो मैं भी एग्री करूंगा कि जज मत करो, बट रिजल्ट्स को तो एक्सेप्ट करो यार, रिजल्ट को एक्सेप्ट तो करना ही पड़ेगा। विदाउट एक्सेप्टिंग द रिजल्ट यू कैन नॉट जस्ट कीप ब्लेमिंग एवरीथिंग ऑन द फॉर्मेट, यू कैन नॉट ब्लेम एवरीथिंग ऑन द गेम, यू कैन नॉट ब्लेम देम ऑन दीज काइंड ऑफ रीजंस। इन द एंड एग्री करना चाहिए कि भाई हम बेटर करने का कोशिश करेंगे नेक्स्ट टाइम, दैट इज वॉट यू शुड एग्री ऑन। नहीं तो भाई ये सब तो बातें होती रहती है कि यार फॉर्मेट गलत था, ये था वो था। आई वुड एग्री दैट इंडिया पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड श्रीलंका के बिना तो वर्ल्ड कप नहीं हो सकता। श्रीलंका निकाल दो यार, वेस्ट वो डाल दो अपना, न्यूजीलैंड एटलीस्ट वो था फाइनलिस्ट, ठीक है। तो आई वुड एग्री विद दैट पॉइंट, बट आई वुड से ये जो अभी किए वो सही किए, अगर नहीं करना था ये देन सिर्फ टॉप के 4-5 टीम जो बीजेएस जीते थे, बीजेएस इज कंसिडर्ड एज द बेस्ट टूर्नामेंट सो फार बिफोर बीएमपीएस जो अभी होने वाला है, सो ऑब्वियसली बीजेएस के टॉप 4-5 टीम को यहाँ खिलाए बिना करवा लेते, बट बाकी टीम्स को तो अंडरडॉग के साथ खिलाना ही पड़ता, वो तो करवाना ही पड़ता। देखो सोल कैसे है, ये सोल वॉज एलिमिनेटेड फ्रॉम बीजेएस, सोल को एज एन अंडरडॉग ही देखा गया है। सोल इज एन इनवाइटेड टीम बिकॉज ऑफ द नेम दैट दे हैव एज एन इनवाइटेड टीम, बट सोल यूजुअली इज एन अंडरडॉग टीम राइट नाउ बिकॉज ऑफ वो 4 प्लेयर जो आए हैं अपने उस स्टेज से, नाम अलग बात है और वो प्लेयर्स तो आए वहीं से, तो वो तो अपना गेम वैसे ही लेके आए और यहाँ पे आए आके खेले हैं, सो दे डिड वेल वही स्टेज पे जहाँ पे अदर्स डिड नॉट डू वेल ना, तो वो तो ठीक है जैसा था वैसा था। हाफ एग्री हाफ नॉट एग्री विद दिस स्टेटमेंट फ्रॉम शिवा भाई, हु इज द को फाउंडर एंड सीईओ ऑफ स्काई स्पोर्ट्स, एंड स्काई स्पोर्ट्स के लिए आई हैव ह्यूज रिस्पेक्ट फॉर व्हाट दे डू इन टर्म्स ऑफ द टूर्नामेंट ऑर्गेनाइजिंग, जो भी वो लोग करते हैं ना भाई, दे एक्चुअली मेड समथिंग इन इंडिया जहाँ पे ना इतना कोई देखता नहीं है चीज़ों को, कि ठीक है यार जो हो रहा है हो रहा है, बस हमारी टीम खेल रही है हम देख लेते हैं, बट क्वालिटी मेंटेनेंस जो किया ना अलग लेवल का किया है। सो दैट्स इट गाइज, दिस वॉज माई क्विक एक्सपेक्टेशन, माई प्रेडिक्शन अबाउट द बी एम पी एस, एंड उसका एक क्विक फॉर्मेट मैंने यहाँ पे बताया आपको, एंड आपके प्रेडिक्शन में जानना चाहता हूँ। आप सब कमेंट करके बताओ कि आपको क्या क्या लगती है, कौन सी टीम्स अब बाहर हो सकती है या कौन सी टीम्स आगे जाएंगी फाइनल्स में। एंड आई नो बाकी लोग काफी लोगों को खराब लगा है कि भाई हाँ ठीक है हमारी टीम फेवरेट टीम बाहर गई है, बट होता है यार, नॉट एवरी टूर्नामेंट दे कैन विन, नॉट एवरी टूर्नामेंट दे कैन एक्चुअली क्वालिफाई, और वो आप कोई भी फैक्टर बोल दो, कुछ भी उसमें रीजन बोल दो, डेट्स ओके, वो तो सबका अपना मर्जी है जो बोलना है, बट आई फील वॉट हैपेंड वॉज फेयर, अभी तक मुझे तो लगा वो फेयर है। आई स्टिल सी सम ऑफ माई फेवरेट टीम्स इन द टॉप 24 चार्ट, सो आई एम हैप्पी विद दैट। आई सी एक्सो, आई सी सोल, ओ आर है मेरे लिए, और उसके साथ साथ निगमा गैलेक्सी जिसको मैं एक्सपेक्ट कर रहा था वैसे भी जी भी है, और क्या चाहिए। अब इसमें से कोई अच्छे अच्छे अंडरडॉग्स मेरे फेवरेट्स हो सकते हैं आगे जाके, सो लेट्स सी अबाउट दैट एज वेल। सो दैट्स इट गाइस, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा, अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब कीजिए गेमिंग जोश को, कीप द जोश हाई, सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो।